Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum and everyone, welcome to Good Morning Arts. मैं हूं आपके साथ अनम काजमी और मैं हूं सबाशी. उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और आज की सुहानी जो सुबह है उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे क्योंकि कराची में मौसम बड़ा खुशगवार है. एनीवे बढ़ते हैं जनाब आज की थीम की जानिब. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग मना रहे हैं स्टूडेंट वीक और पिछले पूरे हफ्ते से ही हम इसमें बात कर रहे हैं और अगले हफ्ते भी हमारा यही इरादा है कि हम स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे मसाइल को उजागर करेंगे जिससे उनकी थोड़ी हेल्प हो सके. तो आज हम स्टूडेंट के एक ऐसे मसले के ऊपर करने जा रहे हैं कि जब भी कभी आप 9th या 10th क्लास के अंदर जाते हैं तो उसमें सूरत हाल ये हो जाती है कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है. ये वो टाइम होता है कि जब आपके या तो कजन्स आपको गाइड करते हैं या बड़े बहन भाई आपको गाइड करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप तुम ये वाली फील्ड चूज कर लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या पर चूंकि कोई मशवरा दे देता है तो फिर आप वो फील्ड चूज करने पर मजबूर हो जाते हो और आप वो फील्ड में काम करते हो और कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो मेरी फील्ड है ही नहीं या तो ये मेरे इंटरेस्ट की चीज नहीं है. ऐसे सिचुएशन में आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि कोई काउंसलिंग करे, आपको समझाए कि आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपकी फील्ड क्या बेहतर आपके लिए हो सकती है. तो इन तमाम चीजों को सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम आपको बताएं कि TCF एक ऐसी फाउंडेशन है जिसके अंदर रहबर नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है और इस रहबर प्रोजेक्ट के थ्रू आपके तमाम प्रॉब्लम्स, आपके तमाम इंटरेस्ट को देखते हुए आपको फील्ड के हवाले से काउंसलिंग की जाती है. ना सिर्फ आपके फील्ड के लिए काउंसलिंग की जाती है बल्कि जिस आप विक्टिम माइंडसेट के साथ आए होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली TCF एक ऐसा इदारा है जिसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो इन तमाम लोगों की जो माइंड की अंदर अपने आप को लेके एक एहसास कमतरी का वो बच्चे शिकार हो जाते हैं तो उन तमाम बच्चों को उस विक्टिम माइंडसेट से भी निकालते हैं, साथ साथ उन्हें पॉजिटिव करने के लिए भी ये काउंसलिंग की जाती है ताकि वो जिंदगी में कुछ बेहतरीन और पॉजिटिव डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए ले सके. तो ये जना बड़ा ही जबरदस्त सा इदारा है और आज इसी इदारे के हवाले से हम बात भी करेंगे और ये किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ स्पीचेस के थ्रू, कुछ असेसमेंट्स के थ्रू जो है वो आपके माइंड को ये कैटर करते हैं, आपके इंटरेस्ट को कैटर करते हैं और आपको लाइफ के लिए पॉजिटिव करते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन तौर पर कुछ डिसीजंस ले सको. तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि रहबर प्रोजेक्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया था और इसको किस तरह से फायदा हो रहा है, वो किस तरह से उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, किस तरह से वो जिंदगी को लेके पॉजिटिव हो रहे हैं. जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि अनम काजमी ने आपको बताया कि हम ओवरऑल वीक मना रहे हैं एजुकेशन के हवाले से. तो यार अब जिदनी इल्मा, यानी कि ये इल्म में इजाफा कर, हम देखते हैं कि ये दुआ हमें बचपन से ही सिखाई जाती है और तालीम के हवाले से बताया जाता है कि अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके इल्म में इजाफा होगा. जब हमारा दीन भी हमें ये कहता है कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए और दुनिया में भी यही कहा जाता है तालीम हासिल करनी चाहिए तो डेफिनेटली तालीम की अहमियत तो है, एजुकेशन की अहमियत तो है. तो एजुकेशन की अहमियत के हवाले से हम ओवरऑल वीक में बात कर रहे हैं और अगर TCF फाउंडेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसी फाउंडेशन है जिसकी सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स उनको अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते हैं और वो घर बैठे होते हैं या फिर चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं. जैसे कि अनम ने बात की कि इनका एक प्रोजेक्ट है रहबर, तो डेफिनेटली इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डेफिनेटली इनके बहुत सारे जो है कैटेगरीज हैं जिसमें ये अपने बच्चों को समअप करते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं. और ये बड़ी अच्छी चीज़ है अगर इस स्कूल को TCF को बाकी स्कूल से किया जाए, कंपेयर किया जाए कि TCF के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बाकी प्राइवेट स्कूल से किसी भी तरह कमतर हो. हम देखते हैं कि इनके बच्चे आते हैं गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से परफॉर्म करते हैं. कल भी एक बच्ची ने, ईशा ने, इतनी जबरदस्त सी डिबेट की थी. मिली तराने गाते हैं, मिली नगमे गाते हैं, इसके अलावा तमाम सवालों के जवाब देते हैं. तो फिर फर्क कोई नहीं रह जाता किसी भी प्राइवेट स्कूल में और किसी स्कूल में जो कि चैरिटी के तहत चल रहा हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो. ये लोग अपने बच्चों को राइट्स देते हैं कि वो जो फील्ड चुनना चाहें वो चुन सकते हैं, अगर वो इन्हीं के इदारे में बड़े होकर काम करना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं. हमारा इशू ये है या इस स्कूल का इशू ये है या हमारा जो आज पॉइंट है वो ये है कि हम आपके अंदर, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, तमाम पाकिस्तानियों के अंदर तालीम की अहमियत को उजागर करें कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इस इदारे में भेजिए. हम आपको इसीलिए इस इदारे के बारे में बार बार बता रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क के हर बच्चे के अंदर तालीम होगी, हमारे मुल्क का हर बच्चा
का होगा तो डेफिनेटली आगे चलकर ये हमारे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, तो इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। TCF के हवाले से इसके कुछ मेम्बरान भी होंगे, इनके कुछ स्टूडेंट भी होंगे, इनकी जो एक कैटेगरी है रहबर, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से अपने बच्चों को गाइड करते हैं। और साथ साथ आज मुझे ये भी पूछना है कि इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो तमाम लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, क्योंकि हमने बड़े बड़े ऐसे प्राइवेट स्कूल्स देखे हैं जिनके स्टूडेंट्स से अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो इधर उधर देखने लग जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक करता है। तो डेफिनेटली इट्स नॉट अबाउट द कि आप बहुत एक्सपेंसिव स्कूल में जाओ भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, इट्स विद इन यू। ये आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे लेके चलते हैं। तो इसी हवाले से सबसे पहले मिलवाएंगे आपको TCF के रहबर प्रोग्राम की अस्मा सेठी से, जो कि सोसाइटी की बेहतरी चले जी। जी सर, मेरे पास है जंग, और जंग में जो है, जंग की मेन लीड मैं पढ़ूंगी जरूर, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपके साथ मैं शेयर करती हूं, और वो खबर है हमारे आज टीवी के हवाले से। कल आज टीवी पे मियां नवाज शरीफ का नाहली के बाद पहली दफा खसूसी इंटरव्यू नशर किया गया, और इस इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा वो मैं आपको कुछ बताती हूं। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने फास्ट बॉल भी कराई, गुगली भी कराई, ओवर द विकेट भी रहे, और साथ साथ बड़ी एहतियात के साथ उन्होंने तमाम इदारों के हवाले से बातचीत की, और उस बातचीत में उन्होंने साफ मेंशन किया कि जी जो मेरी नाहली हुई है उसमें करप्शन तो कोई साबित नहीं हुई, लेकिन वो जो वोट का तकद्दस है वो उसके लिए भी आगे, और अब ये एक तहरीक बन गई है। और उन्होंने कहा जी डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, उनके साथ में इसी तरह के वाकयात होते हैं, उनको अपनी मुदत पूरी नहीं की करने दी जाती। साथ साथ उन्होंने कहा कि वो तसादम की तरफ नहीं जाना चाहते। साथ साथ उन्होंने और की भी बात की, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर में कुछ जो फौजी अफसरान थे उनको तो पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लग चुका है। तो बड़ी एहतियात के साथ ही उन्होंने तमाम इदारों के हवाले से बातचीत की, और उनका ये खसूसी इंटरव्यू आज न्यूज़ ने बीबीसी के प्रोग्राम में नशर किया, और पहली दफ़ा उन्होंने नाहली के बाद अपनी अपीयरेंस दी थी, और वो आज टीवी के ऊपर उन्होंने खसूसी इंटरव्यू दिया जिसके हवाले से उन्होंने मज़ीद बात की, और उन्होंने कहा जी इस हवाले से वोट के तकद्दस को की बहाल करने के हवाले से वोट के लिए वो लड़ेंगे, और उनकी साथी उनके साथ हैं, और इसके लिए वो अपना अगला जो लाहे अमल है वो भी बताएंगे। बहरहाल उन्होंने खुलकर तनकीद की, साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा और ना ही मैं उनसे कुछ चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें अनम उन्होंने कल क्लियर की। तो ओवरऑल जब मैं उनकी ये गुफ्तगू सुन रही थी आज न्यूज़ पर और मैं देख रही थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटरव्यू दिया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने खुलकर बात की है, एहतियात भी साथ है, मोहतात भी बहुत रहे हैं, लेकिन खुलकर साथ साथ उन्होंने बात भी की है। और कहीं ना कहीं जो एक एलिमेंट होता है ना, जो कि आप कन्विंसिंग एलिमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। और अब लेट्स सी कि आज कल उन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया है आज न्यूज़ को, तो उसके बाद जो है लेट्स सी कि अब आज के पूरे दिन क्या बयान आते हैं और उस पर फिर क्या खबर करती है। बिल्कुल जनाब, नवाज शरीफ का जो कल बयानात सामने आ रहे थे, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उस इंटरव्यू के बाद अब तमाम तर जो तासुरात लोगों के जहनों में, उन तासुरात को क्लियर करने की कोशिश की गई है, और यही बयान जो है वो आज एक्सप्रेस ने भी यहाँ पर लगाया हुआ है। ये मेन लीड तो नहीं है, ना ही मेन हेडलाइन है, लेकिन यहाँ इसको फर्स्ट पेपर में जगह जरूर दी गई है, और लिखा गया है कि तमाम फौजी सरबराहान से इख्तलाफात का तासुर गलत है। कुछ फौजी सरबराहान ऐसे भी हैं जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, जिनसे मेल मुलाकात, लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है कि मेरे फौजी जो कुछ अफसरान हैं उनके साथ इख्तलाफात हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इस वक्त साजिशें कर रहे हैं, जो लोग इन साजिशों में किरदार अदा कर रहे हैं, उनका नाम मैं ज़रूर लूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो अभी भी मेरा ख्याल उन्होंने एक वक्त जो है उसकी लिमिट जो है वो बीच में दे दी है। ये खबर तो यहाँ पर लगाई गई है, और साथ साथ उन्होंने ये भी मैंशन किया है कि इदारों में टकराव नहीं चाहता, लेकिन ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि इदारों में टकराव की जिम्मेदारी मैं लूँ, लेकिन बाकी तमाम लोगों को भी, बाकी तमाम सियासतदानों को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए कि तर इदारे जो हैं वो आपस में टकराए नहीं। अच्छा, आज की जो मेन इस वक्त एक्सप्रेस रोजनामा में हेडलाइन लगाई गई है, वो हेडलाइन है जरदारी साहब के बयान के हवाले, कहना था कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को अब आइंदा इलेक्शंस में मैं नहीं देख रहा, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी है, क्योंकि इंतखाबात आने वाले, और उनका कहना था कि डायलॉग का वक्त खत्म हो चुका है, अब इलेक्शन का वक्त है, जो चार साल में हमें फोन नहीं करता तो फिर हम उसका चार साल बाद उसकी कॉल उठाएं भी क्यों। तो बड़े ही सख्त नाला दिखाई दे रहे हैं आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से, और काफी बयानात भी जो है वो उन्होंने इस हवाले से दिए हैं। साथ ही इमरान खान को भी अपनी इस गुफ्तगू में रगड़ा उन्होंने, और कहा कि जी ये नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही जो है सिक्के के दो रुख हैं,
तो यही बात जब इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब के लिए, तो जरदारी साहब ने भी यही मेरा ख्याल है जो जुमला अपनाया है और सेम बयान जो है वो इमरान खान और नवाज शरीफ के लिए दिया है। साथ ही साथ जनाब ये लोग आप जानते हैं लाहौर में थे और बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि बाप और बेटा दोनों मिलकर ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें बिलावल भुट्टो भी साथ मौजूद थे और जरदारी साहब भी थे और काफी अहम बयान जो है वो उनकी जानिब से यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा पीपल्स पार्टी के हवाले से काफी बातें हो रही हैं और पीपल्स पार्टी के हवाले से यही कहा जा रहा था कि जी फाइनली अब पीपल्स पार्टी ने वाज़ह मौकफ दे दिया है कि वो बिल्कुल भी नून लीग को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन नून लीग के कुछ रहनुमा अभी भी बड़े पुरुमीद हैं और उनका ऐसा कहना और ऐसा मानना है कि जी जरदारी साहब जो है वो समझदार आदमी है जबकि बिलावल जो है वो अभी बच्चे हैं और वो किसी और ट्रैक पर चल पड़े हैं और उनको इस तरह की सियासत करने पर जो लोग उकसा रहे हैं तो इसका नतीजा जो होता है वो सियासत से फारिग होने का। लेट्स सी कि नून लीग के जितने भी रहनुमा है उनका एतमाद जीता है जरदारी साहब पर क्योंकि वो मशहूर हैं कि वो मुफाहमत की सियासत करते हैं, या पीपल्स पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि अब अगर उसने नून लीग का साथ दिया तो बाकी पार्टी इसकी जानिब से और उनकी पार्टी के अंदर भी उनके लिए काफी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो अब देखना ये होगा कि जी आगे चल के क्या सिनेरियो बनता है, क्या वाकई पीपल्स पार्टी अलहदगी इख्तियार कर ली है नून लीग से, क्या वाकई इनके रास्ते जुदा जुदा है, ये इस हवाले से हम जो है वो एडिटोरियल में भी डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ पर जो शॉर्ट न्यूज है वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ का नाम नून लीग की सदारत के ओहदे से निकाल दिया है और 345 सियासी जमातों की नई फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। अच्छा, और जो दूसरी खबर है वो पनामा पेपर्स के हवाले से है कि पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है एंड दैट इज वेरी बिग थिंग कि इस तरीके से अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी जो है वो तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। तो लेट्स सी क्या सूरत हाल है और किस तरीके से इनके केस को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, और जो मेन लीड है वो अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो नौजवान दाइश से दूर रहें, आर्मी चीफ ऐसा कहते हैं, अम के लिए हर किसी को अपने हिस्से का काम करना होगा, पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मुस्तकबिल नौजवान से वाबस्ता है, जनरल बाजवा की ISPR में इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा को मुबारकबाद। चले जनाब, एक तो खबर आपने उनके हवाले से ही दी है तो मेरे ख्याल है साबिक जो हमारे आर्मी चीफ के हवाले से भी खबर दे दी जनाब और रवाना हुए हाँ। थे तो खुसूसी तैयारी से वो लाहौर पहुंच चुके हैं, एक खबर तो ये। अच्छा, दूसरी चीज हम देख रहे थे कि कुलसुम नवाज जो कि NA 120 के लिए खड़ी हुई थी, बहुत से एतराजात उठाए गए थे जिनको मुस्तरद भी किया गया, लेकिन बिल आखिर उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और जो कुलसुम नवाज है वो फाइनली उनको ये हक हासिल है कि वो NA 120 से ये इलेक्शन जो है वो लड़ सकती है। आगे जनाब जो तमाम तरह तक अभी भी उठाए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसा कहना है कि हम जो है वो इसको दोबारा से चैलेंज भी करेंगे। और एक और खबर जो है वो ये कि कुलसुम नवाज रातों रात ही लंदन भी रवाना होगी, कहा जा रहा है कि तबीयत मायने के लिए गई थी लेकिन अब आगे क्या सूरत हाल है ये सामने आ जाएगी। 23 सितंबर को है मुतबक्के, तो क्योंकि 17 सितंबर वैसे ही इलेक्शन हो सकता है, फिर वो रहकर इंग्लैंड में रहकर ये इलेक्शन कैंपेन लड़ेंगी या फिर वो 23 सितंबर से पहले वापस आ जाएंगी। तो लेट्स सी, 17 सितंबर को ये जो जल्दी इंतखाब होंगे उसके बाद देखेंगे कि जनाब कुल 63 में से कौन जो है वो कामयाब होता है। अच्छा जनाब, इस वक्त जो मेन लीड है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 भी NAB के हवाले कर दिया गया है, शरीफ फैमिली के असासों की तफसीलात के लिए सऊदी हुकूमत को खत इरसाल कर दिया गया है। अच्छा, ये मैं इस वक्त सारी खबर में ही देख रही थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज जो मेन खबर होगी वो यही होगी कि नवाज शरीफ के लिए आज बड़ा सख्त दिन है क्योंकि उनको NAB में तलब कर लिया गया है उनके दोनों बेटों समेत, तो आज ना पूछगछ की जाएगी, सवालात के जवाब मांगे जाएंगे। तो इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान की जानिब से भी बयान आ रहे हैं नवाज शरीफ के लिए, उनका ये कहना है कि जनाब जब 4 साल आप इकतदार में रहे हो, 30 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं और 30 साल से आप सियासत में रहे हैं, तब आपको किसी किस्म के नए पाकिस्तान की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही आपको अपनी हुकूमत से निकाल दिया गया है तो आपको याद आ रहा है कि मुझे मुल्क बदलना है, नया पाकिस्तान बनाना है। तो हर हम देखते हैं इमरान खान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो नवाज शरीफ साहब को कुछ ज्यादा ही तनकीद का निशाना बनाते हैं और अब तो वो नाअहल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सवाल उनकी जानिब से किया जाता है तो जवाब फौरी तौर पर हम देखते हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी की जानिब से कोई ना कोई जरूर। तो जनाब ये तो थी आज की मेन खबरें एक्सप्रेस रोजनामा के अंदर। ठीक है, PTI के हवाले से आपने बात की है तो डेफिनेटली PTI का अपना एक स्टांस है और PTI की वजह से तो पनामा लीक्स का मामला यहाँ तक पहुंचा है, तो ऐसा हो सकता है कि नून लीग की जानिब से कोई बयान आए और उसका काउंटर PTI ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, मेरे पास जो है इस वक्त जंग डॉन है तो रीड में जल्दी से पढ़ देती हूँ कि शरीफ सन्स टू एस्केप NAB प्रोब मीटिंग टूडे। अच्छा जनाब, शरीफ फैमिली को जो है आज NAB भी बुलाया गया और लेट्स सी अभी तक कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि वो लोग वहाँ पर NAB पे जाएंगे या नहीं जाएंगे या अभी उनका क्या मौकफ है इस हवाले से, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब हम चलते हैं मुख्तलिफ शहरों की जानिब और मुख्तलिफ शहरों की जानिब हम बढ़ते हैं, तो अनम पहले आप कौन से शहर जा
जानकारी था, लेकिन हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद की जाने भी। हाँ। और आज इस्लामाबाद में कौन से बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं और क्या क्या वहाँ पर एक्टिविटीज होंगी, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा, इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम कैसा है और सियासी दर्जा हरारत कैसा है? जी बिल्कुल, सियासी दर्जा हरारत वो तो हमेशा की तरह यहाँ आज भी गर्म है। कल भी सियासी दर्जा हरारत हमने देखा कौमी असम्बली के इजलास में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो रद्द अमल था उसकी वजह से खासा गर्म दिखाई दिया। और इस तरह मजमू जो बयान आते हैं उसका असर बराह रास्त वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद की सियासी फिजा पर भी पड़ता है और यहाँ से एक नई बहस भी शुरू हो जाती है। तो इस तरह यहाँ पर सियासी मौसम तो गर्म है, तो दूसरी तरफ जो शहर इकतदार का मौसम है वो भी इंतहाई गर्म है। सुबह से हबस है, गर्मी है और घर से निकलना आज इस तरह लग रहा है जिस तरह मुश्किल हो गया है। और यहाँ पर कि धूप सुबह सुबह तेज निकली हुई है और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। साथ आपको कुछ मामूल के केसेस के बारे में भी बताएं, शहर इकतदार में आज सुप्रीम में भी कोई इस तरह का खास केस नहीं है जिस तरह जो मीडिया के लिए काबिल तवज्जो हो। इस तरह इलेक्शन कमीशन में भी हो, जो हाई कोर्ट्स हैं इसमें भी कोई इस तरह केस है। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है आज वो कौमी असम्बली का इजलास है। कौमी असम्बली के इजलास में कल भी जिस तरह हमें नज़र आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल, आज भी तहरीक इंसाफ जो है उसी तरह का रवैया अपनाने जा रही है। जो इंतखाबी इस्लाहत बिल है उस पर भी डिबेट होनी है और उसकी मंजूरी और उस हवाले से भी जो मजीद पेशरफ्त है वो भी की जाएगी। और साथ नैब की तरफ से जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तलब किए जाने के हवाले से कहा जा रहा है उस हवाले से भी यहाँ पेशन गोइयाँ हैं और आपस में सियासी गुफ्तगुशनीद जो है वो जारी है। और मुख्तलिफ बयान भी आज भी लीडर्स हैं वो भी हमें नज़र आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करें। तो इस तरह मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल भी गर्म है और मौसम भी शहर इकतदार का हमें गर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है यासिर, नज़र अपडेट करते हैं आपका, बहुत शुक्रिया। लाहौर के लाहौर में मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान और उठे हैं कि शहर में आज क्या सरगर्मियां और इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी तारिक खान, अपडेट कीजिए, मुख्तलिफ सियासी जमातें अपोजिशन और हुकूमत की वहां पर मौजूद हैं, आज क्या सरगर्मियां होने वाली हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुतवक्के नहीं है? जी बिल्कुल सही कहा, लाहौर जो है वो सियासी गढ़ होता है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, ख़ासतौर पे देखें तो मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं वो भी यहीं पे नवाज शरीफ मौजूद हैं और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो मेन दारान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ आज जो एक अहम इवेंट होने जा रहा है वो ये है कि आज मियाँ नवाज शरीफ को जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया और छः माह में उसका फैसला करने के लिए कहा गया था, इस सिलसिले में नैब इस्लामाबाद के जो टीम है वो तश्कील दी गई थी, एक लाहौर से टीम तश्कील दी गई थी। लाहौर जो इस्लाम रावलपिंडी से नैब के हैं वो रिजवान अहमद साहब हैं जो डायरेक्टर हैं वो आए हैं और उन्होंने नवाज शरीफ को आज जो है वो नोटिस जारी किए थे कि वो अजीज़िया मिल और मिल हिल्टन के हवाले से जो है वो आएंगे और तफ्तीश में शामिल होंगे, तो आज उन्होंने इस हवाले से पेश होना है और यहाँ पे बड़ी नैब ऑफिस के सामने जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए हैं और खसूस तौर पे यहाँ पे अगर देखें तो और जो सफाई का इंतज़ाम भी कर लिया गया है। लेकिन बाज़ ज़राए का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ साहब और जो उनकी फैमिली जो उनके बेटे हैं क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं तो वो इस वक्त जो है इस तफ्तीश में पेश नहीं होंगे और वो इस हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। तारिक खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से और ठीक है वो मुल्क में नहीं है तो उनकी जगह पर कौन पेश होगा, मेरा ख्याल है शायद उनके वकील पेश होंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, कराची का रुख करते हैं। कराची में प्राइवेट स्कूल्स की फीस में इजाफे के बाद वालिदैन एहतजाज कर रहे हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, बताएगा प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी हद तक बढ़ी है जो एहतजाज किया जा रहा है? बताऊं कि कराची के वालदैन जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और वो गैस के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनकी फीसेस में जो है वो होशुबा इजाफा कर दिया गया है। यहाँ अगर आप देख सकें, मेरे कैमरा में दिखा सकें, यहाँ पर जो है वो तमाम वालदैन इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि जो फीसेस में इजाफा किया गया 10 से 20% उसमें जो इजाफा वापस लिया जाए। मेरे कुछ खवातीन मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैडम क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्कूल को स्कूलिंग ही रहने दें, बिजनेस ना बनाएं। आपको जिस चीज़ की इजाज़त लॉ देता है आप उसके हिसाब से ही काम करें। जब आपको 5% की इजाजत है तो 5% बनाएं, इसको आप बिजनेस ना बनाएं, हमारे पेरेंट्स को एटीएम मशीन ना समझें और जितना हक बनता है उतना लें ताकि तालीम जो है वो आम हो सके। आप हमारे बच्चों को यही आप सिखा रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन को किस तरह तोड़ना है, किस तरह फीस बढ़ानी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता।
मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ ऑफ कोर्स लाइक यू नो ये तो बहुत गलत हो रहा है कि जिस तरीके से फीस पे इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे तो अगर जिसके दो बच्चे हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे? एक तरह से स्कूल की फीस तो नहीं होती, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ, सिर्फ फीस ही नहीं है. आप देखें काफ़ी ज़्यादा बच्चों की एक्टिविटीज हो जाती हैं, बच्चों में आपकी आउटगोइंग होती है, देयर सो मेनी थिंग्स जो कि बच्चे से अगर 64 ले रहे हैं तो आप बताएं जिनके तीन तीन बच्चे हु विल गोना पे अबाउट देन. ये पेरेंट्स मौजूद हैं जिनका एक ही मुतालबा है कि फीसिस में जितना इजाफा कर दी गई वो उनके लिए जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है. सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि 5% इजाफे गई है उसको बरकरार रखा जाए. जी अहमद अपडेट कर रहे थे और फीसिस के हवाले से वो बात कर रहे थे और डेफिनेटली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं एजुकेशन वीक. तो आज हमारे जब गेस्ट आएंगे तो हम उनसे इस बारे में भी बात करेंगे कि प्राइवेट स्कूल जो है वो क्या कर रहे हैं, भाई फीस थोड़ी कम कर दें, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं उनका क्या कसूर है. बिल्कुल 64,000 बहुत ह्यूज अमाउंट है उन तमाम पेरेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को भी कैटर करेंगे. लेकिन गुड मॉर्निंग आज में वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग. तो बात हो रही है TCF के हवाले से और इनके मेंबर्स के हवाले से और साथ साथ आज बात करेंगे वॉलेंटियर्स के हवाले से. तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शहरयार इनायत साहब और अनम हुसैन साहिबा, और ये दोनों TCF के वॉलेंटियर मेंबर हैं और बड़े डिवोटेडली जो है इस इदारे के साथ में, इस फाउंडेशन के साथ में काम कर रहे हैं. तो शहरयार साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, जो रहबर आपका एक प्रोजेक्ट है या रहबर आपका जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके तहत आप बच्चों से बड़ा मिंगल आउट करते हैं, उनकी साइकी जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले बताएं ये किस तरीके से काम करता है. थैंक यू वेरी मच. रहबर प्रोग्राम जो है आपको जिस तरह TCF के सीरीज प्रोग्राम चल रहे हैं, TCF के जो स्कूल्स हैं ये शुरू तो 1996 में हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह TCF के का जो एकेडमिक रिकॉर्ड था वो बहुत अच्छा रहा. मगर वक्त के साथ साथ इस चीज़ का एहसास हुआ कि एकेडमिक रिकॉर्ड तो बच्चों का बहुत अच्छा है, तालीमी मैदान में उन्होंने बहुत अच्छे नतायज हासिल किए, मगर कुछ जगहों पे जाके वो एक जो मेंटल बैरियर्स का बच्चे हमारा शिकार हो जाते थे. और मेंटल बैरियर से शिकार का से मुराद ये है कि वो अपने लिए जो आगे बढ़ने की जो सोच थी उसको बड़ा महदूद रखा हुआ था. तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि बच्चों की रहनुमाई, तालीम के साथ तरबियत, उसकी ज़रूरत है और उनका एक मेंटोरिंग प्रोग्राम या कि रहनुमाई की ज़रूरत है. तो उस सिलसिले में 2008 में ये रहबर मेंटोरिंग प्रोग्राम जो है ये TCF ने शुरू किया, और ये पूरा प्रोग्राम जो है ये वॉलंटियर बेस्ड है. तो इसका एक ख़ास एक स्ट्रक्चर भी है, इसकी ख़ास शक्ल भी है, मगर इसके साथ साथ तो कोशिश ये की गई है कि इसके अंदर जो है वो इनोवेशन का एलिमेंट भी साथ साथ शामिल रहे. और 2008 से ये साइकिल जो है अब मुसलसल साल में 3 दफ़ा ये चलता है, और 8th grade के बच्चे जो हैं, 8वीं जमात के बच्चों को हम टारगेट करते हैं इसमें, जिनके साथ ये मेंटोरिंग प्रोग्राम जो है हम चलाते हैं. ठीक ठीक. अच्छा अनम भी हमारे साथ हैं, अनम से बात करेंगे. अनम, क्योंकि आप एक आर्किटेक्ट हैं और आपकी फील्ड कुछ और है, लेकिन रहबर प्रोजेक्ट के साथ आपकी एसोसिएशन और फिर ऐसे बच्चों को पढ़ाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको उनका मेंटर बनना एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. जब आप ये काम करने जाती हैं, क्या पॉइंटर्स होते हैं आपके जहन में कि आपने बच्चों को क्या समझाना है, किस रुख पर उनको ज़िंदगी में पॉजिटिव होने के जो सबक हैं वो देने हैं, क्या प्लान होता है आपके जहन में उस टाइम पर? जैसे शहरयार साहब ने बताया कि हमारा 7 वीक्स का प्रोग्राम होता है और हर एक का अलग एक माइलस्टोन या संगे मील होता है जो डिफाइंड होता है, और हर हफ्ते हम उसी हिसाब से बच्चों से बात करते हैं. तो जो भी वॉलंटियर्स जाते हैं ऑन ग्राउंड, उन्हें पता होता है कि अच्छा इस हफ्ते हमें ये चीज़ें ये इस बारे में बात करनी है. अगर मैं जनरल बात, थीम होता है? हाँ थीम होता है. ठीक. 7 वीक्स के अलग अलग थीम्स होते हैं. अगर मैं शॉर्टली उनको डिफाइन करूँ तो 7 हफ्तों में पहला हफ्ता जो हमारा होता है जो बच्चों के साथ होता है वो ये होता है कि हम उनको जानते हैं, बॉन्डिंग वाला होता है कि उनसे बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, क्या नाम है आपका, क्या बनना पसंद करते हैं, घर में कौन कौन है, ताकि वो थोड़ा खुल जाएं, उनका जो एक हिचकिचाहट है वो दूर हो जाए, कि जो भी भाई और बाजी आए हैं उनसे वो घुल मिल जाएं. तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आगे जो भी हम उनसे बातें करें या वो हमसे बातें करें वो खुल कर सकें और वो हमारी बात समझ सकें. दूसरा जो होता है वो समझें जो प्रोग्राम की हमारी रूह है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, वो एक सोच से तकदीर वाला मॉडल होता है जो हम उनको बताते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू. क्योंकि 8th graders होते हैं तो उसको माइल्ड करके जो है वो बेसिक उसका क्रक्स ये होता है कि जो सोच होती है
वो आप किस तरह से आप सोच अपनी तकदीर बना सकते हैं, ये बताना कि जो भी आप चाहते हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच से अपनी तकदीर किस तरीके से बना सकते हैं, इस हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पैकेज शामिल करते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान में बेशक बेशुमार मसाइल है लेकिन मिस्बत सोच के जरिए मसाइल का हल का आगाज किया जा सकता है, और यही जिम्मा उठाया है। कल इतनी तेज रफ्तार दौड़ में हम लोग सब भाग रहे हैं और जिंदगी में अपने इतने मसाइल हैं, अपनी इतनी चीजें, कि इस दौरान इंसान सोचता भी नहीं कि कोई ऐसा काम वॉलंटियर के तौर पर करे। आप लोग ये काम कर रहे हैं और आपके साथ साथ मेरा ख्याल आपने बताया था कुल 6000 ऐसे लोग हैं जो एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं टीसीएफ के साथ मिलके। क्या जज्बा होता है, क्या सोच होती है, किस तरह से वक्त निकल जाता है कि आपने एज अ वॉलंटियर काम करना है और आपने इन बच्चों को पढ़ाना है? आपका जो ये सवाल है ये बहुत ही नेचुरल है और मैं भी इसी तजुर्ब का शिकार हुआ था जब पहली दफ़ा जिन साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था रहबर से, वो मेरा छोटा भाई है और मुझे काफ़ी छोटा है और सारी ज़िंदगी उसको मैंने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया बॉसी बन के, और जब उसने मुझे बताना शुरू किया कि रहबर क्या है और किस तरह अचीवमेंट हो रही हैं, तो मुझे लगा जैसे वो थोड़ा सा शो मार रहा है और मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा ओके लेट मी सी, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी, और जस्ट टू चेक हिम आई वेंट फॉर द रहबर। और तब मुझे वहाँ पे जाके एहसास हुआ कि अभी तक की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हम अक्सर जो हैं वो अपने बबल में ही रहते हैं, जबकि मुझे फिर एहसास हुआ मैस्लो की जो थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स है, तो उसके अंदर जब आप रहबर में दाखिल होते हैं और आप दाखिल तो होते हैं कि शायद आप बच्चों की रहनुमाई करने जा रहे हैं, मगर दर हकीकत आप खुद एक खुद शनासी का एक सफ़र होता है जिसका आगाज़ हो जाता है। तो वो जो खुद शनासी का सफ़र है या वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको मैस्लो कहता है, वो जब आप उस सफ़र की तरफ पहला कदम रखते हैं तो वो उसकी लज्जत से जब आप आशना होते हैं तो वो फिर आप बार बार जो हैं ये जो 6400 का जो फिगर आपको बताया हमारे वॉलंटियर्स, और ये वॉलंटियर्स हैं सिर्फ रहबर प्रोग्राम के साथ जो मुंसलिक हैं, तो ये वो एक आप सेल्फिश कह लें कि आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आप आते हैं, क्योंकि जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और ये सोच से तकदीर का जो फलसफा जो है उनको बच्चों के लेवल पे लाके जब समझाते हैं तो दरअसल आपको खुद पता चलता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ कमी आपकी रह गई। ठीक है, इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। गुड मॉर्निंग, आज में वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त जनाब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मोहम्मद आरिफ चन्ना ने, जो कि टीसीएफ के स्टूडेंट हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं, क्या जबरदस्त कैलीग्राफी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप आरिफ? टीसीएफ में हैं आप, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कैलीग्राफी का शौक कैसे हुआ आपको? जब हम सिक्स क्लास में थे तो तब हमारी राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो फिर जो टीचर थी वो बार बार कह रही थी आपको अपनी राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए। फिर एक दिन उन्होंने एक लाइन लिख के दे दी थी कि ना इसकी प्रैक्टिस करो, हमें वो समझ में नहीं आ रही थी क्या लिखा हुआ है। अच्छा, और लिखा हुआ था कि पूरे पेज पर लिखना है आपको, फिर मुझे लगा कि कुछ तो अभी सुधारना पड़ेगा, फिर हमने उस दिन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। सेवन में थोड़ी सही हुई, एट में और सही होगी, फिर नाइन में तकरीबन चार देने लगे टीचर कि ये बना के आओ ये बना के आओ, टेन में फिर पूरी आ गई। उसके बाद फिर हम जब टी सी एफ कॉलेज में आए हम तो उधर हमारी तीन वर्कशॉप हुई थी, जी म्यूज़िक थी, कैलीग्राफी थी और सिंगिंग थी। तो उसमें कैलीग्राफी जो थी उधर मैंने कहा कि उसमें ही लेना चाहिए मुझे, क्योंकि उसमें अगर मैं जाऊंगा तो मुझे और पता चलेगा कि इसके बारे में क्या क्या होता है, फिर उधर से मैंने फुल सीख ली थी। वाह, जबरदस्ती बात है कि एक स्टूडेंट जिसकी राइटिंग ही अच्छी नहीं है उस वो शख्स कैलीग्राफर बन गया, क्या बात है, जबरदस्त। आज आप हमें क्या लिख के दिखाएंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख के दिखाऊंगा। बिल्कुल जनाब, आप लिखना शुरू कीजिए। चले जनाब, जब तक हारिस लिखते हैं, आरिफ लिखते हैं, तब तक हम आपको बताएं कि टीसीएफ के रहबर प्रोग्राम में सोच से लेकर तकदीर बनाने तक का अमल पांच मराहल में तकसीम करके बच्चों में मुस्बत सोच पैदा की जाती है। बिल्कुल, रहबर प्रोग्राम के वॉलंटियर हारिस अशरफ से मालूम हमारे जहन में भी आया कि जी हम देखें तो सही, क्योंकि आठवीं में हम एक बच्चे के साथ रहबर प्रोग्राम करते हैं जो कि फकत 7 हफ्तों का होता है, और 7 हफ्तों में आप तवक्को नहीं कर सकते कि किसी की जिंदगी या किसी की सोच एकदम पलट जाए। तो इसलिए एक तो हमारा बुनियादी जो एक जो विज़न है इसके बारे में कि हम बच्चों में जो है वो मुस्बत तब्दीली का बीज एक डाल सके,
तो अब हमें ये क्यूरी हमारे जहन में है कि जो मुस्बत तब्दीली का बीज है इसका असर क्या हुआ आइंदा दो सालों में तीन सालों में और जब मैट्रिक के बाद बच्चा निकल भी गया उस पर एक हमने एक स्टडी भी करवाई और एक छः महीने के एक लंबे अरसे पे पाकिस्तान के तूल अर्ज में जहाँ जहाँ रहबर प्रोग्राम चला है वहाँ पे एक स्पेशल टीम हमारी वो निकली और तमाम जो बच्चे हैं जो रहबर प्रोग्राम से निकले जो इस वक्त मैट्रिक में हैं या मैट्रिक से निकलने के बाद अपनी टर्शरी में भी दाखिल एजुकेशन में दाखिल हो गए और कुछ बच्चे हैं जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी दाखिल हो गए तो उन तमाम की सैम्पलिंग की प्रोफेशनल्स ने और ये देखने के लिए तयन करने के लिए कि रहबर प्रोग्राम का उनकी ज़िंदगी पर क्या असर हुआ और हमें बड़ी खुशी हुई कि जो बुनियादी मकसद था मुस्बत तब्दीली का और अगर कोई एकेडमिकली बहुत आउटस्टैंडिंग अचीव नहीं भी कर सका मगर वो अच्छा शहरी ज़रूर बना राइट उसमें मुस्बत उसने ज़िंदगी को मुस्बत अंदाज में देखने का एक शऊर ज़रूर पैदा हुआ बिल्कुल और ये बड़ी मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी तो मुझे ये सेंस आ रही थी कि अगर मैं ये काम करूं तो वाकई कितनी सेटिस्फेक्शन महसूस होगी कि आप अपना कोई पार्ट प्ले कर रहे हो किसी की ज़िंदगी की बेहतरी में तो ये बहुत अच्छी और खूबसूरत फीलिंग होती है ना मैं आपके जाने माना चाहूँगी अब जैसे मैंने आपसे शेयर कर ही दिए कि मेरी भी ऐसी फीलिंग इस वक्त पैदा हो रही है बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं आप लोगों की इस एफर्ट को देख रहे हैं उनका भी दिल चाह रहा होगा कि हम भी एज अ वॉलंटियर काम करें तो क्या कोई क्राइटेरिया है किस तरह से आप एलिजिबल हो सकते हो एज अ वॉलंटियर रहबर में काम करने के लिए रहबर के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो 24 ईयर्स और अबव एज ब्रैकेट हम करते हैं उसका कॉन्सेप्ट ये है कि 24 साल में एजुकेशन ग्रेजुएशन मिनिमम हो जाती है और थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस होता है ताकि जब आप बच्चों के साथ बात करें तो आपका कोई अपना एक्सपीरियंस हो उनको बताने के लिए आपसे वो आप इटसेल्फ भी क्योंकि 5 हफ्ते आपके साथ है तो इंस्पिरेशन आपसे भी हासिल कर सकें कि आपका क्या जर्नी है आप उसे रिफ्लेक्ट कर सकें तो 24 ईयर्स और उससे आगे नो लिमिट उसके बाद हमारी वेबसाइट पर और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे फॉर्म्स हैं मुस्तकिल अपडेट होता रहता है नेक्स्ट साइकिल जो हमारी शुरू हो रही है वो 21 अक्टूबर को शुरू हो रही है अच्छा और उसके लिए हर हफ्ते हमारे ओरिएंटेशंस होती हैं और TCF के एक स्कूल कैंपस में उसमें जो भी हमें अप्रोच करता है हम उसे बुलाते हैं उसको थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बताते हैं 1-on-1 के क्या है और थोड़ा सा उनका फीडबैक लेते हैं थोड़े से अपने बारे में बताते हैं कि क्या है मतलब एक चीज को आप ओवरऑल प्रोग्राम को इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव ठीक है आरिफ जो है उनकी कैलीग्राफी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम बात करेंगे शरिया और अनम से भी गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का कहीं जाएगा मैं डोंट गो एनीवेयर स्टे विद अस कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज बात हो रही है रहबर प्रोग्राम के हवाले से और हमारे साथ अनम शहरयार और साथ साथ आरिफ भी मौजूद है आरिफ की कैलीग्राफी कहाँ तक पहुंची जी आरिफ कहाँ तक पहुंची आपकी कैलीग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड सो कैन यू शो इट ऑन द कैमरा अच्छा वाह वेरी नाइस बहुत जबरदस्त आपने कैलीग्राफी की है और मतलब इतने कम टाइम में इतनी परफेक्ट कैलीग्राफी कर देना इट प्रूव दैट कि आपकी एसोसिएशन वाकई में आप लोगों के ऊपर जो चीज़ें भी लगा रही है अपना टाइम अपनी एसोसिएशन अपनी काउंसलिंग बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसमें लिखा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अच्छा शरिया साहब अभी वही जो हम बात कर रहे थे कि किसी के साथ में इंटैक्ट करना किसी की हेल्प करना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इट्स लाइक आपका एक इनर नेचर होता है अगर वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है काइंड है तो डेफिनेटली यू अट्रैक्ट विद समवन हु डिज़र्व टू हेल्प तो आप जब इस TCF की तरफ गए जैसे कि आपने बताया कि लोगों ने बड़ी तारीफ़ की लेकिन आप नहीं समझ रहे थे कि इस तरह का इदारा होगा फीडबैक कैसा मिलता है इन बच्चों से क्या आप जब वहाँ पर जाते हैं विजिट करते हैं उनमें से कोई बच्चा कोई स्टूडेंट कोई फीमेल या मेल कभी कहता है आपको कि आप वापस कब आएंगे या अगेन आपका विजिट कब होगा या हम आपका इंतज़ार करेंगे आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना रहबर एक्सपीरियंस का उसका जिक्र किया है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप साइकिल दर साइकिल करते रहते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स में आप बच्चों की लिस्ट बढ़ती चली जाती है और वो मुसलसल आपसे रबते में रहते हैं और आपके लिए बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने जब बच्चे बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि आप उनको मायूस भी नहीं करना चाहते मगर हाँ उनको जब वो अपनी सक्सेस स्टोरीज जब आप शेयर करते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है यहाँ अपने एक साथी का मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा कि एक रहबर प्रोग्राम में वो पहुँचे तो एक बच्चा है उन्होंने कहा कि भाई 2 साल पहले जो है ना मेरा बड़ा भाई जो है ना वो आपके रहबर प्रोग्राम में था आया था तो वो आपसे मिलना चाहता कहते उसको बुलाओ ना किधर है तो मैट्रिक कर लिया था उसने हाँ।
तो वो बुलाया तो कहते जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला मिला तो उसने गले मिलके उसका जो भाई है उसने धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया उस बच्चे ने। तो लोग परेशान हो गए कि क्या हो गया। अच्छा थोड़ी देर हमने देखा दूर से कि जना वो गले मिलके रो रहा है और उसके बाद जो हमारा मेंटर है उसके भी आंसू आना शुरू हो गए। अब हमें बड़ी परेशानी हुई कि हुआ क्या, हमने कहा हुआ क्या, कहते हैं उसने गले मिलके रोना शुरू हो गए थे। कहते ये बच्चा वो था कि टीचर्स ने भी कह दिया था कि एट मैक्स ये बी ग्रेड से ऊपर नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि भाई आपने बाकी सारी बातें तो की थी, आपने जो टाइम मैनेजमेंट की बात, सोच से तकदीर में आपने जो प्लानिंग की बात की थी और टाइम मैनेजमेंट की बात की थी और थ्रेड बेयर आपने टाइम मैनेजमेंट का मुझे शुरू किए थे, मुझे डिस्कस किया था, तो मैं उस पर चलता रहा और आठवीं से लेकर आठवीं नवीं दसवीं तक एंड मैट्रिक ही पास विद इन ए वन ग्रेड। और जब उसने बताया कि ए वन ग्रेड तो वो जो हमारा मेंटर साहब थे सफ़ेद उनकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल भी आए थे और उन्होंने भी वो सोच के जो सुन के जो है उन्होंने खुशी से रोना शुरू। तो जो आप अचीवमेंट की बात करी तो इस तरह की अचीवमेंट्स जो है हमें बच्चों के मिलती रहती हैं। और मैं समझती हूँ शहरयार साहब टीचर्स को बड़ा केयरफुल होना चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट्स किसी के बारे में देना कि जी ये ए ग्रेड तो कभी आ ही नहीं सकता और आप बच्चे को डीमोटिवेट करते हो। ऐसे में मेरा ख्याल है जो रहबर के तमाम वॉलंटियर्स हैं वो उनकी उनके माइंड को पॉजिटिव करने में साथ साथ उनका वो जो एक विक्टिम माइंड सेट है उससे उसको निकलने में बड़ी मदद करते हैं। अनम की जानिब आना चाहेंगे। अनम ये जो बात कर रहे हैं हम ओवरऑल के थीम्स के तहत आप लोग चलते हैं, कैरियर काउंसलिंग की जाती है स्पेशली एट क्लास से आप लोगों ने प्रोसेस शुरू किया होता है, किस तरह से कैटर कर पाते हैं कि इस बच्चे में किस तरह का टैलेंट है, कौन से स्किल ट्रस्ट है और फिर आप उस लिहाज से उसको गाइड करो कि आपके लिए ये करना ज्यादा बेहतर है। एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि क्योंकि हम अभी रहबर की बात कर रहे हैं तो करियर काउंसलर हमारा थोड़ा अलग प्रोग्राम होता है। अच्छा, जो इसके बाद होता है तो हम अभी बच्चों से जो बात करते हैं वो स्पेसिफिकली करियर्स की बात नहीं करते, लेकिन इस बारे में बात करते हैं कि वो ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, कि अगर उनको डॉक्टर बनना है तो हम उनसे ये सवाल पूछते हैं आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं मदद तो जो है एक टीचर भी बच्चे की करती है, एक मदद तो एक पुलिस वाला भी करता है, एक फौजी भी करता है, तो बहुत सारे तरीके हैं मदद करने के। तो वो इनका पर्सपेक्टिव ब्रॉड करना, एक सोच को वसी करना वो हमारा होता है। तो जैसे मैंने पहले बात की, हमारा पहला माइलस्टोन होता है, हदफ होता है कि हम उनसे जानते हैं, बात करते हैं, तो वो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता इंटरेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है कोई शाय होता है, कोई ज़्यादा जो बात करने वाला होता है, किस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, क्या बात करते हैं, आपसे क्या बातें शेयर करते हैं। थीम्स किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, क्या हर वीक का थीम हर वीक? अच्छा, जैसे हम सोच से तकदीर तक आ गए थे, सोच से तकदीर जो होता है थोड़ा सा मैं उसको डिफाइन कर दूं। सोच से तकदीर क्या होता है? सोच हम उन्हें ये कहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं, ये बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम भी अपने आम चीज़ों में फॉलो कर रहे होते हैं, सुबह से नाश्ते से लेकर या कोई अपना कॉलेज पास करना या एग्जाम पास करना, कि आप कोई चीज़ सोचते हैं फिर आप उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि मैं कर कैसे सकता हूँ, फिर आप उस पर हरकत करते हैं और उस हरकत को मुसलसल करते हैं ताकि आपकी एक आदत बन जाए और वो आदत को आप मुंतजम तरीके से करते हैं तो आपका एक किरदार बन जाता है। जैसे कि कोई बच्चा पहचाना जाए कि ये नमाजी है या ये जो है बहुत वो, और फिर आपकी उससे खुद ब खुद तकदीर निकल के आ जाती है। एक्शन स्पीक्स। तो मतलब सिर्फ ये कि एक बच्चा जो एक कम वसाइल है उसको कोई सपोर्ट, उसकी सोच को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मतलब वैसे तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े लेकिन खुद उनका एक्सपोजर नहीं है। उनको ये कहना कि आप जो सोच रहे हैं, चाहे वो एक कंप्यूटर लेना हो, चाहे वो एक आर्टिस्ट बनना हो, वो आप किस एक मेथोडोलॉजी से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। सोच से तकदीर बदलने की बात हो रही है तो डेफिनेटली अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव वाइब्स हैं तो बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेगा जैसा आप सोच रहे हैं। फिर जब राइटिंग आई तो फिर राइटिंग का भी शौक हो गया, फिर जैसे जैसे नई नई स्किल में देखता जाता हूँ, जैसे कि लोगों में बहुत सी होती है जो स्किल रखते हैं, जैसे कि जैसे आर्ट होती है, जैसे चारपाई बनाते हैं उसके ऊपर जो डिज़ाइन करते हैं, उस तरह की स्किल हैं जिसके अंदर हमें बहुत सारा कुछ मिलता है, यानी कि जो क्रिएटिव माइंड हो उस तरह। तो मैं उस लिहाज से आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ जिसको हर चीज़ का पता हो, यानी कि क्रिएटिव माइंड जिसका होता है आरिफ, तो उसको कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे आके उसको पता लगता है आई एम क्रिएटिव। आपको कब एहसास हुआ कि आप ये काम करना चाहते अभी हैं? तक तो थोड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, अगर जब ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा जो एहसास है वो कब हुआ? पहले क्या पेंट किया था? कुछ पहले मैंने सबसे पहले जो शुरू की थी वो कायदे आजम की तस्वीर थी, बनाया था। तो पहले मैं अपने दोस्त को दिखा रहा था, मेरे आगे बैठा हुआ था, तो ऊपर टीचर ने देख लिया, टीचर ने कहा दिखाओ, टीचर ने सबको दिखा दिया। तो फिर मैंने कहा, उस वक्त से फिर मेरे को पता चला कि स्केचिंग की इतनी अहमियत है लोगों के दिलों में, तो फिर मैंने उस दिन से फिर
स्केचिंग शुरू कर दी। जबरदस्त, अभी अभी बना लेते हैं। चले जी, हम भी आपको कहते हैं कि आप आर्टिस्ट हैं, क्योंकि जो काम आपने दिखाया है काबिल है कि आप इसको आगे लेकर चलेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे इससे। और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप जो भी आगे प्लान करते हैं अपनी जिंदगी के बारे में और जो भी आपके ड्रीम्स हैं। अच्छा, इस वक्त शहरयार साहब हमारे साथ हैं, आपके जाने पाऊंगी। शहरयार साहब, जिस तरह उसका ड्रीम है कि वो आगे बड़े होकर आर्किटेक्ट बनना चाहता है या फिर आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई भी इस तरह मुख्तलिफ ख्वाहिशात के साथ आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, आप एक स्पेसिफिक फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप बच्चों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक किस तरह से समझा पाते हैं? क्योंकि जिस फील्ड से आपका ऑब्वियसली ताल्लुक है वो तो चीज़ आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपकी आपकी फील्ड नहीं है वो आप उनको किस तरह से समझा पाते हैं, उसके बारे में बेहतर गाइडेंस किस तरह से दे पाते हैं, और क्या कोई तैयारी होती है जो आप लोग जाने से पहले करके जाते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप लोगों के कंधों पे, क्योंकि आप किसी की जिंदगी को संवार रहे होते हैं, उनकी रहनुमाई कर रहे होते हैं, कितना रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं सब में? बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और हमारी जब ट्रेनिंग होती है तो इस चीज़ पे खास तौर पे तवज्जो दी जाती है। और क्योंकि हर कोई किसी एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड से आ रहा होता है, तो हम नहीं चाहते कि हम अपनी कोई छाप जो है उन बच्चों के ऊपर डाल दें कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर ही सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है, या अनम जो है वो अपनी आर्किटेक्ट की जो खूबसूरतियाँ हैं वो ही उनको उस पर उनको कन्विंस करें। तो एक जो बहुत सारे हमारे मकासद हैं उनमें एक मकसद हमारा ये भी होता है जो एंड रिजल्ट कि जो बच्चों की इंडिविजुअलिटी है, जैसे आरिफ ने बताया कि इसको आरिफ को कि जो क्रिएटिविटी है सामने आई है, तो अब उसको ये कह के कि जी आर्टिस्ट क्या कर लेगा, तुम आर्टिस्ट तो कोई प्रोफेशन नहीं होता, तो जो उनकी इंडिविजुअलिटी है, जो उनकी इंफरादियत है, हम उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हम बजाय इसके कि कोई उनको एक ठीक है, मतलब आप किट टू किट जो है उसकी पर्सनालिटी को, उसके शेड्स को उभार के लेके आते हैं कि कौन से बच्चे के अंदर क्या सलाहियत मौजूद है। बहुत शुक्रिया शहरयार साहब, अनम और आरिफ, आप हमारे शो पर आए और टीसीएफ के हवाले से आपने इतनी सारी बात की। तो जनाब, आज की जो हमारी थीम थी वो रहबर के हवाले से थी, और इसका बेसिक पर्पस ये था कि आप सोच से अपनी तकदीर को कैसे बदल सकते हैं। तो बिल्कुल बदल सकते हैं, कहा जाता है कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पाएंगे, वैसे ही अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव वाइब्स होंगी तो वैसे ही होगा जैसे कि आप चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बदले और पाकिस्तान में तमाम स्टूडेंट्स की सोच बदले, ताकि एक बदलता हुआ पाकिस्तान देखें और पाकिस्तान तरक्की करे। और मैं और अनम जैसे लोग अगर थोड़ा सा भी हिस्सा डाल सकते हैं इसके अंदर अवेयरनेस के लिए तो बिल्कुल हम डालते हैं। और ऐसे ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप किसी की जिंदगी को बदलना चाहते हैं, किसी के हालात को बदलना चाहते हैं, तो उनको इल्म की रोशनी से आशना कर दीजिए। बिल्कुल ये रोशनी फैलती जाएगी, चिराग से चिराग जलता जाएगा और मुल्क तब्दील हो जाएगा। इसी के साथ जनाब, ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।